टाइटन की दुनिया का एक ऐसा बेताज बादशाह जिसकी पुकार न सिर्फ आपको डराने वाली है। बल्कि इसकी पुकार एक ऐसी विध्वंसक ध्वनि है जो चारों तरफ बस मौत ही लाती है। और मौत के इस सौदागर को हम ईरन द फाउंडिंग टाइटन कहते हैं। वही मॉन्स्टर की दुनिया में एक ऐसा गॉड है जिसकी गर्जना आसमान की गर्जना को भी शांत कर दे। इसके कदम पड़ने मात्र से ही कई प्राकृतिक घटनाएं इतनी उतावली हो जाती है जो एक बार में ही सारा संसार को ग्रास ले। हम बात कर रहे हैं मॉन्स्टर के गॉड गॉडज़िला की। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ईरन तथा उसके सभी टाइटन्स मिलकर कुचल पाएंगे अल्फा मॉन्स्टर को, या ये मॉन्स्टर सभी टाइटन सहित ईरन का भी अंत कर देगा। खैर, उम्मीद है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। सबसे पहले बात करें ईरन और उसके वॉल टाइटन्स के बारे में, तो वॉल टाइटन ठीक कोलोसल टाइटन की तरह विशाल होते हैं। इन टाइटन्स की औसतन ऊंचाई 50 मीटर तक होती है। जब कार्ल फ्रिस्ट टाइटन वॉर के बाद शांति की तलाश में पैराडाइस आइलैंड गए थे, तब उन्होंने फाउंडिंग टाइटन की मदद से लाखों की संख्या में विशाल वॉल टाइटन की सहायता से एक बड़ी दीवार की रचना करी। इसके सबसे बाहरी दीवार यानी वॉल मारिया का निर्माण 2,46,000 वॉल टाइटन्स को इकट्ठा करने से बना था। वहीं दीवारों के इस पूरे ढांचे को तैयार करने में कुल 5,85,000 वॉल टाइटन्स का यूज किया गया था। और इन्हीं वॉल टाइटन्स को ईरन ने आजाद करके उससे अपनी एक विशाल सेना बना ली। और ये सेना ईरन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए गॉडज़िला न सिर्फ ईरन से बल्कि 5,85,000 टाइटन का भी सामना करने वाला है। और ये बात याद रहे कि हर एक वॉल टाइटन की ये खासियत होती है कि ये जब चाहे मिलकर एक विशाल दीवार का निर्माण कर सकते हैं। ये दीवारी दैत्य लगभग अमर है, यानी इन्हें मार पाना इतना भी आसान काम नहीं, क्योंकि 100 सालों के पश्चात ईरन ने इन्हें आजाद किया था। तब भी ये जिंदा चलने के साथ साथ किसी को भी कुचलने की ताकत रखते हैं। हालांकि इसके अमरत्व में लगभग शब्द इसलिए लगता है क्योंकि इस टाइटन के गले पर अगर कोई वार करता है तो ये तुरंत मारे जाते हैं, जबकि इसके बाकी शरीर के किसी भी हिस्सों पर नुकसान पहुंचाने पर ये नहीं मरते। यहाँ तक कि इसके सिर को भी उड़ा दिया जाए तब भी इसकी रीजनरेटिंग एबिलिटी सिर को पुनः उगा देती है। साथ ही ये वॉल टाइटन कोलोसल की तरह गर्म भाप भी छोड़ सकते हैं, जिससे ये इंसान को तुरंत राख में ढेर कर सकते हैं। ये विशाल से विशाल जहाजों को यूं ही हवा में उछाल सकते हैं। इसके साथ ही पानी के अंदर तैरने में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वहीं बात रही ईरन टाइटन की, तो इसके पास 3 टाइटन्स का समागम है। पहला अटैक टाइटन, दूसरा वॉरहैमर टाइटन और तीसरा फाउंडिंग टाइटन। ईरन फाउंडिंग टाइटन के तौर पर एक विशाल काय स्केलेटन में बदल चुका है, इसलिए वह अटैक टाइटन के एबिलिटीज को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अटैक टाइटन का काम ही होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना। वहीं वॉरहैमर टाइटन को यूज करके ये वातावरण में कई संरचनाएं या हथियार भी बना सकता है जो टाइटन्स के हार्ट फ्लैश से बने होते हैं। ये फ्लैश इतनी सख्त होती है जिससे बने हथियार से किसी के भी शरीर को भेदा जा सकता है। इसी टाइटन की एबिलिटी को यूज करते हुए ईरन ने जो टाइटन और आर्मर टाइटन से मुकाबला किया था और उसके शरीर को अपने स्पाइक से चीरते हुए उन्हें काफी आसानी से हरा दिया। और चूंकि ईरन के पास फाउंडिंग टाइटन का भी पावर है, इसलिए ये वातावरण में और भी बड़े बड़े आकार के मजबूत स्पाइक्स को निकाल सकता है। फाउंडिंग टाइटन में बनने के कारण ये पूरे यमीर के वंशज को वॉल टाइटन या कोलोसल टाइटन में तब्दील कर सकता है। जैसे जीन यमीर के वंशज को एक खास प्रकार की लिक्विड देकर एक टाइटन में बदल देता है, ठीक जीन की ही तरह फाउंडिंग टाइटन भी कर सकता है। पर फाउंडिंग टाइटन को किसी प्रकार की लिक्विड की आवश्यकता नहीं होती, और सबसे खास इसकी पुकार से कई किलोमीटर दूर मौजूद यमीर के वंशज भी खुद को टाइटन बनने से रोक नहीं पाते तथा फाउंडिंग टाइटन के आज्ञा का पालन करने से ये खुद को रोक नहीं पाते। और सिर्फ वॉल टाइटन्स और कोलोसल टाइटन्स ही क्यों, ये सभी 9 अलग अलग प्रकार के टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। ये अपने स्क्रीम से पूरे यमीर के वंशज के मेमोरी को बदल सकता है, उसके शारीरिक संरचना को पूरी तरह से बदल सकता है, उनके बीमारी को तुरंत ठीक कर सकता है या उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा में बदल सकता है। ईरन सभी यमीर के वंशज से टेलीपैथी के जरिए बात भी कर सकता है,
जिस प्रकार वो सभी को यह संदेश देता है कि वो पूरी दुनिया के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहा है। ये भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों समय काल को देख सकता है। हालांकि फाउंडिंग टाइटन के अवस्था में ये बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर सकता, पर अपने वॉल टाइटन्स को आदेश देकर यह उनसे कुछ भी करवा सकता है। साथ ही ये कुछ केस में वॉरहैमर टाइटन की एबिलिटीज का इस्तेमाल भी कर सकता है। वैसे इस टाइटन की आकार की बात करें तो इसके हड्डी की ढांचा 1100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा और 2100 फीट से भी ज्यादा लंबा होती है, जो कि गॉडजिला के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। क्योंकि बात करें गॉडजिला की तो ये एक 394 फीट विशाल मॉन्स्टर है, यानी ये सभी वॉल टाइटन्स के मुकाबले काफी विशाल है, परंतु फाउंडिंग टाइटन के सामने गॉडजिला काफी छोटा नजर आता है। बात रही ड्यूरेबिलिटी की तो इस मामले में गॉडजिला का कोई जवाब नहीं। ये न सिर्फ मामूली हथियारों बल्कि न्यूक्लियर वेपन से भी अभेद्य है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर वेपन तो इसे और भी चार्ज करने का काम करती है। भारी होने के बावजूद भी गॉडजिला काफी अजाइल है, इसलिए तेज भाग सकता है, पानी में तैर सकता है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सकता है। तो वॉल टाइटन से ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उन्हें काफी आसानी से हरा सकता है, और गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ को संभाल पाना किसी भी टाइटन का बस का नहीं। वहीं जब ये अपने बर्निंग स्टेट में पहुंच जाए तो इसके न्यूक्लियर पल्स से कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए अगर ये इमेजिन किया जाए कि किसी तरह मॉन्स्टर के यूनिवर्स में ईरन सहित उसके सभी वॉल टाइटन्स मिलकर धरती का अंत करने आए हो तो गॉडजिला शांत नहीं बैठेगा। वो ईरन सहित उसके सभी आर्मी को मारकर धरती को सुरक्षित रखना चाहेगा, पर गॉडजिला के लिए यहाँ समस्या ईरन या वॉल टाइटन नहीं, क्योंकि ये अकेला वॉल टाइटन को भी हराने की ताकत रखता है और ईरन को भी मारने की ताकत रखता है। पर यहाँ समस्या तो इस बात की है कि वॉल टाइटन्स की संख्या यहाँ 500,000 से भी ज्यादा है, जिसे नष्ट करने के लिए गॉडजिला को सैकड़ों बार एटॉमिक ब्रीथ का यूज करना पड़ेगा, जो कि गॉडजिला के लिए लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि 3 से 4 बार न्यूक्लियर बीम का इस्तेमाल करने के बाद गॉडजिला लगभग थक जाता है। पर गॉडजिला को भी मार पाना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी काफी लाजवाब की मानी जाती है। इसलिए ये 500,000 की भीड़ में घुसकर सबसे विशाल फाउंडिंग टाइटन को मारना चाहेगा, पर वॉल टाइटन ऐसा नहीं होने देंगे। ये सभी मिलकर गॉडजिला को घेर लेंगे। हालांकि गॉडजिला की टेल स्वाइप तथा एटॉमिक ब्रीथ कुछ देर तक वॉल टाइटन को खुद तक आने से रोक सकेगा, पर 500,000 विशाल टाइटन की आर्मी काफी ज्यादा होती है। ये बात सच है कि ईरन अपनी वॉरहैमर टाइटन की पावर से भी गॉडजिला को काफी परेशान कर सकता है, लेकिन ईरन काफी चालाक है। ये गॉडजिला को कम आंकने की भूल कभी भी नहीं करेगा, और ये बात भी सच है कि गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पल्स की एबिलिटी से ईरन के हड्डी के ढांचे को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है। पर 500,000 टाइटन को रोक पाना ही गॉडजिला के लिए काफी मुश्किल चुनौती है। यानी यदि किसी तरह चमत्कारी ढंग से गॉडजिला सभी वॉल टाइटन को मार सके, तब गॉडजिला में इतनी भी एनर्जी नहीं बचेगी कि ये एक कदम भी आगे बढ़ सके। इसलिए ऐसी परिस्थिति में इस बात की ज्यादा संभावना है कि ईरन अपनी टीम की वजह से अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। खैर, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इस पर राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।